खुद के जन्मदिन पर किया अपना शरीर दान तो दोस्त ने भी शरीर दान कर दिया तोहफा। नमस्कार, मैं कुलदीप साहू और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। परिवार के दो दोस्तों ने अनोखी मिसाल पेश की है। मेडिकल कॉलेज के एनाटॉमी विभाग में पहुंचे दो युवकों ने अपना शरीर दान कर दिया। यह दान इसलिए खास है क्योंकि शरीर दान करने वाले युवक का आज जन्मदिन है, जिसके जन्मदिन पर उसके दोस्त ने भी अपने शरीर का दान कर दोस्त को तोहफा दिया है। शरीर दान करने वाले सचिन कुशवाहा कटरा के रहने वाले हैं, जो अक्सर समाज सेवा से जुड़े रहते हैं। इस दौरान उन्होंने कई बार रक्त दान कर जरूरतमंदों की मदद की एवं उनकी जान बचाई। आज उनका जन्मदिन था तो उन्होंने मेडिकल कॉलेज को अपना शरीर दान कर दिया है, जिससे मेडिकल कॉलेज के छात्र अपनी पढ़ाई कर सके। इसके लिए बाकायदा दोस्त के साथ मेडिकल कॉलेज पहुंचे, फॉर्म भरने की प्रक्रिया को पूरा किया। युवक के इस जब्जे को देखते हुए उनके दोस्त प्रद्युम्न सिंह ने भी मृत्यु उपरांत अपना शरीर मेडिकल कॉलेज के एनाटॉमी विभाग को देने का निश्चय किया है और डीन डॉक्टर मनोज इंदुलकर के सामने पहुंचकर दोनों ने शरीर दान की प्रक्रिया को पूरा किया। डॉक्टरी की पढ़ाई करने के लिए मृत शरीर की आवश्यकता होती है, जो अक्सर एनाटॉमी विभाग में कमी बनी रही है। उसी की कमी को देखते हुए दोनों युवाओं ने साहस बांधकर एक मिसाल पेश की है। युवकों का कहना है कि अगर जीवन समाप्त होने के बाद हमारी कीमत बढ़ती है तो बनने के बाद मिट्टी ही बनना है, इससे अच्छा है कि किसी के काम पे आ जाए। रीवा से विजय तिवारी की रिपोर्ट। बने रहे द खबरदार न्यूज के साथ। धन्यवाद। और इस दिन आपने ये कार्य को चुना है, क्या इसकी वजह क्या थी और कैसी ये भाव आया आपके मन में? हमारा सर जो शरीर है, तो जब हम इस दुनिया से जब चले जाते हैं तो हम चाहे कितने भी पावरफुल में रहें, चाहे कुछ भी रहें, हमारी जो शरीर मरने के बाद अगर हमको दफनाएंगे तो भी हम मिट्टी बनेंगे, अगर बॉडी जला दें तो भी हम मिट्टी बनेंगे। हमारी सोच ये है कि हम मतलब कि इस दुनिया से जब जाएँ तो मतलब कि हमारी शरीर भी मतलब किसी के काम आए। हमारे यहाँ पे जो मेडिकल छात्र हैं, उनके लिए जो बॉडी होती है उनके लिए मानव शरीर बहुत ही काम आता है। उनसे बच्चे सीखते हैं, डॉक्टर बनते हैं, साइंटिस्ट बनते हैं और पूरे नियम में, और उन्होंने सबका इलाज करते हैं। आज आपका जन्मदिन भी है, उसी के दिन चुना आपने? जी सर। क्या ऐसा आज ही के दिन क्यों चुना आपने ये ख्याल? उसमें क्या है कि मैं चाहता हूँ कि देहदान करना भी कोई बहुत बड़ी बात है, बहुत छोटी बात है, और मैं चाहता हूँ कि हमारे देश के पूरे विश्व के जितने युवा हैं ये सोच सबको आनी चाहिए और नई जनरेशन हमारी जो है तो उनको सबको मतलब कि एक नया संदेश जाए। आपके मित्र भी साथ में इस चीज के? हाँ हाँ। क्या नाम है उनका, कैसे? उनका नाम प्रद्युम्न सिंह बघेल है, वो IIT से गुवाहाटी से पढ़े थे और रीवा इंजीनियरिंग कॉलेज से हैं। आप? अभी मैं क्लैट का स्टूडेंट हूँ, क्लैट 2024 की तैयारी कर रहा हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सचिन कुशवाहा है। आपने भी देहदान किया अपने मित्र के साथ ही, क्या कैसे ये ख्याल आया और क्या इसका उद्देश्य है कि आज के दिन चुना आप लोगों ने? जैसे कि सचिन भाई का आज बर्थडे भी है और देहदान का फैसला है, हालांकि मैं बहुत पहले से सोच रहा था लेकिन ऐसा कोई दिन डिसाइड नहीं कर पाया अपने आप पर, तो आज इनका बर्थडे था तो हमने सोचा चलो इनके साथ इस दिन की शुरुआत की जाए इस मिशन की। और मुझे नहीं लगता कि ये कोई बड़ी बात है देहदान देना, क्योंकि जब हमारा जीवन समाप्त हो जाता है उस समय यदि हमारी कीमत बढ़ती है तो अच्छी चीज़ है, कम से कम कभी तो हम वैल्यूएबल हुए इस सोसाइटी के लिए, इस समाज के लिए, संदेश देने के लिए। मैंने अपनी इच्छा से और अपने आप में अपने आप को बेहतर समझ कर डिसीजन लिया और मैं चाहता हूं कि हर युवा इस चीज़ को समझे, क्योंकि हमारे एक फॉर्म भरने से, जैसे मैम ने कहा कि काफ़ी यंग जनरेशन में लड़कों ने ये सोचा है करने के लिए, तो हमें नहीं लगता कि एक फॉर्म भरने से हमारी मृत्यु नज़दीक आएगी। जब मृत्यु होनी होगी होगी ही, यदि मैं बेहतर कदम अपने भविष्य के लिए पहले उठा लूं तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। शुभ नाम आपका? मेरा नाम प्रद्युम्न सिंह है, मैं गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज से पास आउट हुआ, इसके बाद मैं IIT गुवाहाटी से भी पास किया। ये दो लोगों ने फॉर्म जमा किया है, किस तरीके की इसकी प्रोसेस रहती है और क्या लोगों में इसके प्रति जागरूकता लाने की ज़रूरत है और इससे फायदे क्या हैं बच्चों को पढ़ने के मेडिकल कॉलेज से संबंधित? आज मैं यहाँ पर जो है 25 वर्षों से कार्य कर रहा हूँ और पहली बार मैंने देखा है कि यंग लड़के जो हैं इस कार्य हेतु डिपार्टमेंट ऑफ एनाटॉमी में अपनी देहदान कर रहे हैं। और सचिन जो यहाँ पर आए दिन ब्लड डोनेशन करते रहते हैंगे, तो एक उनके अंदर पहले से एक ये बहुत बड़ा जज्बात है कि किस तरह से हम समाज की सेवा कर सकें, क्योंकि रक्तदान आज हम लोग की बड़ी समस्या है, क्योंकि अगर हमारी जितनी डिमांड है उतनी पूरी नहीं हो पाती है, तो ऐसे हमारे यंग जो लड़के, यंग जनरेशन है आज आगे बढ़ रही है। आज सचिन का बर्थडे है, उन्होंने उस पर अपना देहदान भी किया है और दूसरा साथ ही साथ में उनके मित्र प्रद्युम्न हैं जो उनके मित्रता को निभाते हुए उनके जन्मदिन पर भी उन्होंने भी देहदान का पत्र, जो हमारा एक फॉर्म होता है डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी में, वो भरा है और एक एफिडेविट भी जमा किया है। तो ये ऐसा दान है जो हमारे मेडिकल साइंस के लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है, क्योंकि इसी से आगे अनेक इस पर रिसर्च किया जाता है
तो आज सबसे इम्पोर्टेंट जो है बाकी मेडिकल साइंस में काफ़ी जो रिसोर्सेस हमको मिल जाते हैं केवल हमारे बच्चों की स्टडी के लिए जो नहीं मिल पाता है वो है। तो आज इस अवसर पर मैं बहुत ही इन दोनों को बधाई देना चाहता हूँ कि इनके द्वारा अन्य समाज की जो हमारी यंग जनरेशन है वो भी इंस्पायर्ड होगी, उनको प्रेरणा मिलेगी और वो लोग भी आगे आएंगे। मैं पुनः इन दोनों को धन्यवाद देता हूँ।